दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। उन सभी साथियों के लिए आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हैं। तो बहुत दोनों सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक समस्या आ रही है कि सर मेरी वीडियो बनाई जा रही है या सेकंड की बनाई जा रही है, फर्स्ट की नहीं बनाई जा रही है, या फर्स्ट की बनाई जा रही है सेकंड नहीं बनाई जा रही है। अब जो मैं वीडियो आपको दूंगा पूरा एकदम सेमेस्टर का दूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो डीएलएड का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस दिया गया है, अगर पिछले वर्षों का अध्ययन करें तो एक बात समझ में आ जाता है कि वह सिलेबस से बाहर भी प्रश्न पूछते हैं और दोनों के सिलेबस लगभग लगभग सेम है, लेकिन जो गणित प्रश्न पूछे गए हैं वो दोनों सिलेबसों से मिलाकर पूछे गए हैं। इसलिए मैं जो भी गणित बढ़ाऊंगा वो फर्स्ट और सेकंड सिलेबस को मिलाकर एक कहीं में होगा। इसलिए आप सभी साथी, आपसे जो आपको वीडियोज मिलेगी वह दोनों सिलेबस को मिलाकर होगा, एक बात। दूसरी बात, आपके जो वीडियोज है जो गणित है बेसिक, वह आपको पूरी जो गणित है वो अगर उसकी मैराथन क्लास लूंगा तो 4 घंटे का पूरा संपूर्ण सिलेबस है। माने अगर मैं आपको एक दिन में 4 घंटे पढ़ा दिया आपकी गणित पूरी खत्म हो जाएगी, और 4 घंटे माने 8 घंटे में अगर गणित पढ़ लेते हैं आप लोग तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों की गणित खत्म हो जाएगी। लेकिन थोड़ी सी बारीकियां ऐसी है जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ गणित पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आप अभी से सीख के रखिए ताकि आपको गणित पढ़ते समय उस बात की समस्याएं आपके सामने ना आने पाए। पहली बात, जब मैं गणित पढ़ाऊंगा उसमें सेमेस्टर के मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें टॉपिक का नाम लिखा रहेगा, आप अपने सेमेस्टर से मिलाकर पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, दोनों को मिलाकर सिलेबस सेम है, केवल कुछ पार्ट फर्स्ट करके कुछ पार्ट सेकंड, माने फर्स्ट सेमेस्टर में इजी है और सेकंड में टफ, कुछ चीजें फर्स्ट में अलग है सेकंड में अलग है, लेकिन मैं आपको दोनों पढ़ा दूंगा। इसलिए क्योंकि आगामी जो भर्ती है, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, या शिक्षक भर्ती प्राथमिक भर्ती से जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो हो, चाहे सी टेट हो, वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, और जो मैं गणित की वीडियोज दूंगा वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए आप सभी साथी को मैं कुछ चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 चीजें ऐसी हैं और आप लोग को ये पहले से तैयार रखना होगा, तब आप मेरे साथ गणित सीख पाएंगे। क्या क्या? जोड़, घटाना, गुणा, भाग और जो पहाड़ा होता है वह आप 20 तक एकदम जुबान पे रट्टा मार के रखिए। बाकी चीजें मैं आपको बताते चलूंगा आपको और क्या क्या याद करना है, लेकिन इतनी चीजें आप सभी साथियों को याद करके रखना है। अगर इतनी चीजें याद रहेंगी तो आप गणित को आसान लगेगा आपको और आसानी से आप दोनों सेमेस्टर में 25 में 25 मार्क अर्जित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप सभी को, इसके लिए आप सभी साथियों को, जितने भी लोग हैं जुड़े हमसे या जितने लोग वीडियो देखेंगे वे सभी साथी इतनी चीज पहले से तैयार रखेंगे। और यदि आपको लग रहा मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूब में जाने के बाद नॉर्मल करके उसकी स्पीड कम कर लीजिएगा, स्लो लगेगी तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, और इस प्रकार आपको 4 घंटे में संपूर्ण सिलेबस में आपको कंप्लीट करा दूंगा। और मेरी गारंटी है कि वहां से 25 में 25 अथवा 20 नंबर आप आराम से अर्जित कर सकते हैं बिना किसी समस्या के, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। पहले से जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इतनी चीजें आप पहले से तैयार रखिए और पहाड़ा पूरी तरह से पढ़ के अगर इतना कर पाएंगे तब आप मेरे साथ गणित सीख पाएंगे, अगर इतना नहीं है तो मैं आपको गणित सिखाने में असक्षम रहूंगा। तो आप सभी साथी जो भी डीएलएड के हैं उनके मैं संपूर्ण विषय पढ़वाने का प्रयास करूंगा, बस आज भर का समस्या है, आज और कल का 2 दिन के बाद आपको संपूर्ण सिलेबस, इतिहास, भूगोल, मतलब SST जो आपकी है, सभी पेपर जो है मैं प्रयास करूंगा, सभी पेपर को पढ़वाऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक वीडियो पहुंच जाएगी तो आप अपने अन्य सभी साथी के डीएलएड के जो हों उन साथियों तक जरूर पहुंचेगा। जिस प्रकार ये मेरा कर्तव्य है, मैं आपके लिए वीडियोज बना रहा हूँ, उसी तरह आपका भी ये कर्तव्य होगा कि यह वीडियोज आप अपने सभी साथियों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आप मेरी मदद न करके उन सभी साथियों का मदद करेंगे जिनका बैक ना आने पाए, कि गणित और अंग्रेजी एक ऐसा सिलेबस है जिसमें सबसे ज्यादा बैक आने की संभावना होती है, इसलिए मैं गणित पे सबसे ज्यादा जोर दूंगा। वास्तव में है तो ये 25 नंबर का, लेकिन अगर बैक कर देते हैं तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। इसलिए आप सभी साथी पूरे मनोयोग के साथ पढ़िएगा, हम आपकी गारंटी लेते हैं कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना अगर तैयार कर लेंगे तो आप BTC कि किसी भी सेमेस्टर में मैथ में बैक तो नहीं आएगा, अन्य में आ जाए चलेगा, लेकिन इसमें बैक आएगा नहीं, और चलेगा कहीं भैया, कहीं नहीं चलेगा। ठीक, आप मेहनत से पढ़िए, मैं पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि आपको परीक्षा के 2 दिन पहले कि परीक्षा के राइटिंग, परीक्षा में लिखना कैसे है, आपकी मार्किंग कैसे होती है, कॉपी एडजस्टी कैसे है, आपको किस तरह से पढ़ना, ये सभी चीजें मैं बताऊंगा। और मैं गणित जब पढ़ाऊंगा तो उसके टॉपिक में लिखूंगा, बाकी चीजें आपको समझनी है, इसलिए आप सभी साथी को मैं बता दूंगा कि उसकी टॉपिक लिखी रहेगी, आप अपने सिलेबस के आधार पर पढ़ लीजिएगा। और ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज पे और स्मार्ट कोचिंग क्लासेस के नाम से हमारी फेसबुक पेज है, और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जहां पे आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 या 2 दिन में आपको पूरी नोट्स में आपको दुर्गेश सर
बिना स्पेस दिए टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, आ जाएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे आपको संपूर्ण नोट्स सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे सभी वीडियोज, चाहे वो यूपी टेट, सुपर टेट, प्रतिवर्ती लिखित परीक्षा हो, सी टेट या आपकी सेमेस्टर की, सब कुछ आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। बिना किसी से मांगे, बिना किसी के सर हमको भेज दीजिए, सभी चीजें आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। बस आप सभी साथी मेहनत से पढ़िएगा और बैक ना आने पाए उसके बाद यूपी टीटी, सुपर टीटी और सीटीटी, उसके लिए मैं हूँ और मेरे साथ आप पढ़िएगा, मैंने परिणाम बेहतर दिया है। आप मेरे साथ अगर इस तरह लगातार पढ़ते रहेंगे तो यूपी टीटी और लिखित परीक्षा में कुछ चीजें कम पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये पता हो जाएगा क्या क्या चीजें मैंने पढ़ाई है। रही बात यूपीटी और सीटीटी की, जितने भी गणित क्वेश्चन आए थे, जितना मैंने पढ़ाया, मेरे सारी वीडियोस देख लीजिएगा। उसके बाद बहुत सारे, कम से कम 13 प्रश्न ऐसे हैं जो हूबहू जैसा मैंने क्वेश्चन बोला है, हूबहू परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए अनुभव सबसे बड़ा सितारा होता है, इसलिए आप सब जुड़े रहिएगा, मेरा अनुभव आपके काम आएगा और आप भी सफल होंगे। और मेरी उम्मीद है आप सभी इस परीक्षा को बेहतर तरीके से उत्तीर्ण करने के बाद, फिर अगले इसके जस्ट बाद आप यूपी टीटी और सीटीटी की मेरे साथ जुड़कर पढ़ेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा आपको पढ़ाने में, क्योंकि आप भी मेरे भाई बहन, मेरे परिवार जैसे हैं। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। डेललेट के सभी कोर्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप सभी साथियों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी उस वीडियो को सभी प्रशिक्षकों तक पहुंचा दीजिएगा। अगर आप तक पहुंचता है उसे अपने पास न रखकर उसे सभी तक शेयर कर दीजिएगा। लाइक करिए, मत करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों को ढेर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।